नमस्कार। जन सरोकार मंच के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं प्रभा मुजुमदार अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कुछ कविताएं सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध के शीर्षक से है। पहली है, अंतिम नहीं होती कोई हार, कोई भी जीत निर्विवाद नहीं होती, सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, खत्म नहीं होते कभी। एक युद्ध का परिणाम अक्सर निर्धारित करता है आगामी जंग का आरंभ, समय, सीमा, दिशा। जीत के जश्न बढ़ाते हैं प्रतिशोध में लिए गए संकल्पों के तेज। इतिहास दोहराता है अपने को नए नामों और चेहरों के साथ। देखो, समूचा ब्रह्मांड ही एक युद्ध स्थल बन गया है इस कौरव पांडवों के खेल में, और मूक यादे बने हम अभिशप्त हैं एक खेमे को चुनने के लिए। षड्यंत्रों और झूठ, अधर्म और अन्याय की बुनियाद पर खुदगर्जी और अहंकार के लिए लड़े जा रहे एक और धर्म युद्ध को जारी रखने के लिए। दो, पटाक्षेप नहीं हुआ है अभी, यह सिर्फ युद्ध विराम की घोषणा है। थकी हुई सेनाओं, जंगी जुबानों को पैदा करने के लिए बस कुछ पल का पड़ाव है। जीत के तमाम दावों, उल्लासों के शोर के बीच मारे और हताहतों के तले कराह रही है धरती। उजाड़ दिए गए घरंदों में अनवरत गूंज रही हैं सिसकियां। आत्मगौरव, यश, प्रशंसाओं की तमाम उपाधियों के बीच दुश्चिंताएं बार बार सिर उठा रही हैं। फिर भी नहीं बुझी है अभी तलवारों की प्यास, प्रतिशोध की आग धधक रही है आंखों में, नफरत का लावा उफन रहा है सीने में, और खून के बदले खून का हिसाब रक्तपात जारी रखने की प्रतिज्ञा कर चुका है अनवरत काल तक। सिर्फ कुछ वक्त के लिए गर्जनाओं पर अंकुश लगाया गया है। संधि वार्ताओं के कौमा, अर्धविराम और विस्मय चिन्हों के बीच से गुजरते हुए कैमरे के सामने मुस्कुराकर गले मिलने का यह वक्त, नए दोस्तों की परख, नई रणनीतियों की जांच और ऊंट की करवट भांपने का है। मातम पुरसियों के बहाने, दुश्मन के किले में सेंध लगाने, समय और मोहरों को अपनी ओर मोड़ने का है। इस कदर भरा है माहौल में जहर कि अभावों की हर गली में फल फूल रही हैं बम बारूद की फैक्ट्रियां। इसलिए जारी ही रहेंगे युद्ध एक छोटी सी विश्रांति के बाद। इसी श्रृंखला की तीसरी कविता है, हर युद्ध के पश्चात कहीं अधिक मुश्किल हो जाता है नया युद्ध विराम। नफरत, प्रतिशोध और कड़वाहट की परछाइयां पहले से अधिक सघन हो चुकी होती हैं, बिखरी पड़ी होती हैं चारों ओर ताजा अतीत में लिखे गए कई कई समझौतों की चिंदियां। दंभपूर्ण आक्रामक गर्जनाएं सुनी जा सकती हैं हवा में, और लाशें चीख चीख कर
पूछ रही होती हैं अपनी शहादत का हिसाब। शांति और सुलह के मुखौटों के पीछे के चेहरे जाने पहचाने होते हैं और उतना ही स्पष्ट होता है उन आवाजों का खोखलापन, इरादों का सतहीपन। फिर भी जरूरी होती है युद्ध विराम की संभावनाओं की तलाश, संधि समझौतों के विराट आयोजन, उपहारों के आदान प्रदान, गले मिलन और सांझा तस्वीरों का दुनिया भर में प्रसारण, इतिहास पुरुष का दर्जा पाने के लिए। मेरी अगली कविता है इन दिनों। मुझे मालूम है कि इन दिनों जख्म पर मरहम लगाने की बजाय नाखूनों से कुरेद कर उसे नासूर बनाए जाना उपयोगी साबित होता जा रहा है। बहते लहू और मांस का विभत्स प्रदर्शन, वेदना रोष और प्रतिशोध लिए एक उत्तेजित भीड़ को जन्म देता है। उस उन्मादी कर्कश शोर में डूब जाते हैं जवाबदेही के तमाम वाजिब सवाल। हिंसा प्रतिहिंसा की मौतों के ये आंकड़े मददगार बन जाते हैं भूख, बेकारी और त्रासदियों से होती मौतों पर पर्दा डालने के लिए। निशंसता की हदें, यंत्रणाओं की श्रृंखलाएं नहीं, साजिशकर्ताओं की जाति, धर्म, पद और दौलत निर्धारित करती है वेदना, शर्मिंदगी को महसूसने अथवा नकारने, न्यायोचित ठहराने के क्रम। राजा की संवेदनाएं, जगने से पहले धूर्त व्यापारी की चाल चलती है, टटोलती है शोषित के ही पिछले रिकॉर्ड्स, चाल और चरित्र पर, निष्ठा और प्रतिबद्धता पर संशय के दाग लगाकर अपने को उजला साबित कर देती है। मेरी अगली कविता है खिड़की। एक दीवार के गिरते ही विस्तारती है मेरी छोटी संकीर्ण सी दुनिया। सदियों के पूर्वाग्रह टूटते हैं, उड़ान भरती है सोच नए क्षितिज को पाकर। एक खिड़की के खुलते ही जुड़ जाती है बाहर की दुनिया और आसमान उतर आता है छोटे से कमरे में। सूरज की ऊष्मा, ताजी हवा, ओस की बूंदे, बारिश की फुहारें, सौंधी मिट्टी की सुगंध, आसमान के उस छोटे से टुकड़े में करती हूं मैं तारों की पहचान। इसी खिड़की से सुनती हूँ चिड़िया की चहचहाट, बारिश के गीत, हॉर्न और सायरन की दहलाती आवाजें भी। महसूसती हूँ भागती धकियाती और हाँफती दुनिया के संघर्ष, अवसर और चुनौतियाँ। मन की संवेदनाएं जोड़ती हैं औरों की उमंग, आशा और वेदना हताशाओं से। खिड़की से आती रोशनी और बयार मस्तिष्क को जोड़ती है ज्ञान, अनुसंधान और अनुभवों की दुनिया से, इतिहास से वर्तमान तक की यात्राओं से, देश दुनिया के ताजा हालात से, भविष्य की संभावित उड़ानों से। खिड़कियां
गति और विराम के बीच की आशंकाओं से रूबरू भी करती हैं। जमीन और आसमान को एक साथ समेट लेती है दृष्टि की परिधि में। यूं हर खिड़की बाहर की ओर ही नहीं खुलती, भीतर को भी मुड़ती हैं बहुत सी खिड़कियां। अपने एकांत में निर्विघ्न साधना, ज्ञान और विज्ञान, चिंतन और दर्शन, कला, शिल्प, संगीत से समृद्ध होती है तब दुनिया। अंदर और बाहर की आवाजाही सुनिश्चित करती हैं खिड़कियां अपने आकार और आयतन की सीमितता के बावजूद। अगली कविता है नदी। समंदर में विसर्जित नहीं होती है एक अकेली नदी। कितनी ही छोटी बड़ी नदियां, पोखर, नाले, डबरे उसके सहभागी होते हैं। समाये होते हैं उसमें पहाड़, जंगल और मैदान, अलग अलग स्थलों के रेत, मिट्टी, पत्थर और मूल्यवान रत्न। विधि विधानों, आस्था, परंपराओं की सौगातें, उत्सवों के प्रतीक और प्रदूषण विसर्जन के दंश भी। नदी के संवेद सुरों में घुली होती हैं असंख्य भाषा बोलियां, संगीत, नृत्य, उमंग, उल्लास, वेदना, बिछोह, कुछ टूटने खोने का रुदन भरा गीत भी। छोटी बड़ी नौकाओं की आवाजाही जोड़ती है उसे वहां भी जहां नहीं बहती है कोई नदी। सभ्यताओं के उद्गम की साक्षी है नदियां, उनके उत्कर्ष और खात्मे की भी। उद्गम से सागर तक की यात्रा में कितने ही इतिहास, विरासत, जीती धड़कती दुनिया की कहानियां समेटती है नदी। सीधी और सरल रेखा में आसान यात्रा नहीं, पहाड़ों, बीहड़, कटाव, घुमावों से होता एक अविरल प्रवाह समुद्र में समाकर भी खत्म नहीं होती है नदियों की यात्रा। धन्यवाद। आभार।